हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का पार्ट वर्ब्स। तो पहले देखिए वर्ब्स क्या होती हैं। तो वर्ब्स इंडिकेट एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट ऑफ समथिंग टेकिंग प्लेस और हैपनिंग। तो वर्ब होती है कोई भी जो आप काम कर रहे होते हैं, जैसे कि यू आर वॉकिंग, आप चल रहे हैं, है ना। तो स्टेट ऑफ डूइंग समथिंग, आप अगर कोई काम कर रहे होते हैं या कोई काम हो रहा होता है तो उसी चीज़ को हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे कि शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही है ना। अब आती हैं काफ़ी सारी वर्ब्स होती हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब्स। तो मेन वर्ब होती है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मॉडल वर्ब होती है ना। तो मेन वर्ब वो वर्ब होती है जो सेंटेंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि मेन वर्ब होती है आर ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल वर्ब्स, दे कैरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो जो मेन वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के साथ होती है और सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये कवर कर रही होती है। तो शी इज़ राइटिंग, मतलब क्या है इसमें वर्ब, राइटिंग है। क्या कर रही है, वो लिख रही है। तो ये मेन वर्ब हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ब होती है ना पूरे सेंटेंस की, उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो देखिए दीज वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब्स, मतलब दूसरे वर्ब को जोड़ने का काम करती हैं ऑक्सिलरी वर्ब। दे आर, जैसे कि इज़ हो गया, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। तो इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सारी की सारी जो वर्ब्स होती हैं ये लिंकिंग वर्ब्स होती है। ये एक वर्ब को दूसरे से मतलब जोड़ने का काम करती है सेंटेंस में, जॉइनिंग का काम ये करती है, जॉइनिंग का, लिंकिंग का। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल है दे आर गोइंग, तो गोइंग जो है ये तो मेन वर्ब हो गई और जो इसमें आर है ना ये वाली हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। अब नेक्स्ट आता है कि मॉडल वर्ब क्या होती है। तो इसका है दीज वर्ब आर यूज बिफोर ऑर्डनरी वर्ब्स। तो देखिए जो मॉडल वर्ब्स होती है ना ये ऑर्डनरी वर्ब्स से पहले इस्तेमाल होती हैं एंड कन्वे मीनिंग सच एज कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, सजेशन या फिर इमिटेशन। तो मॉडल वर्ब्स जो हैं ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि ऑर्डिनरी वर्ब्स, जो हमारी नॉर्मल वर्ब्स होती हैं, उनसे पहले इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये बताती हैं उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग ये कन्वे करती है। जैसे कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, कितना ये कर सकती हैं, कैपेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, सजेशन, इमिटेशन, ये सारी की सारी चीज़ें ये मॉडल वर्ब बताती है। एग्जाम्पल है जैसे इसका मे आई कम इन, क्या मैं आगे अंदर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। तो मे ये क्या बता रही है, पॉसिबिलिटी बता रही है कि पक्का पक्का काम नहीं हो रहा है, पॉसिबिलिटी ली जा रही है। या फिर परमिशन, मे आई कम इन क्या हो रहा है, परमिशन ली जा रही है। तो ये मॉडल वर्ब हो गई। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन द मेन वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, किस तरीके से वर्ब बन रही है उसके बेसिस पे जो मेन वर्ब है ना वो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के फॉर्मेशन के बेसिस पे किस तरीके से वर्ब बन रही है, मेन वर्ब को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब। तो देखिए इसमें क्या है, मेन वर्ब जो है ना वो होती है एक रेगुलर वर्ब में कर सकते हैं हम और एक कर सकते हैं हम इरेगुलर वर्ब में। अभी रेगुलर इरेगुलर क्या होती हैं, तो देखिए रेगुलर वर्ब्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय एडिंग डी और ईडी टू द बेस फॉर्म। तो रेगुलर वर्ब जो होती हैं वो कैसे बनती हैं, रेगुलर वर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग डी और ईडी, मेनली ईडी और डी लगाने के बाद। जैसे कि बेस वर्ब है वॉक, वॉक को आप उसकी नेक्स्ट फॉर्म में आपको बनाना है तो आप क्या कर देंगे, वॉक्ड, ई और ई डी लगा सकते हैं, तो क्या हो गया हमारा आगे की वर्ब बन गई। तो ये जो होती है ना इस टाइप की वर्ब्स जो होती हैं वो रेगुलर वर्ब होती हैं, जिन वर्ब्स में ई और ई डी लगा करके आगे की फॉर्म बना सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सेकंड थर्ड फॉर्म आपने ई डी लगा के बना दी तो वो तो रेगुलर वर्ब हो जाएंगी। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, द वर्ब्स विच रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट इट्स मीनिंग इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो वर्ब विच रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स टू कम्प्लीट इट्स मीनिंग इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वी आर मेकिंग अ कार्ड, तो हम लोग क्या कर रहे हैं,
वी आर मेकिंग, बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कार्ड बना रहे हैं. तो वर्ब्स विच रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट इट्स मीनिंग, तो ऐसी वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपने मीनिंग को कम्प्लीट करने के लिए, ऐसी वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब होती है. मतलब ये वाली जो वर्ब्स होती है ना ट्रांजिटिव वर्ब, ये वर्ब ना टेंसेस के साथ, समय के साथ, कंडीशन के साथ बदल जाती हैं, तो ये ट्रांजिटिव होती हैं, ये चेंज हो जाती हैं. तो वी आर मेकिंग अ कार्ड, हम लोग कार्ड बना रहे हैं, तो ये वर्ब चेंज हो रही है ना, और ये वाली जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है. तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं उनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपना मीनिंग मतलब कन्वे करने के लिए, तो ऐसी वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं. इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, दीज वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट देयर मीनिंग. ऐसी वर्ब्स जो अपना मीनिंग कम्प्लीट करने के लिए उनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि क्राइंग. अब क्राइंग है, क्राइंग का मतलब पता है कि रोना होता है, तो शी इज़ क्राइंग बैडली, ये एक वर्ब है, इसको बैडली किया, किसी और ऑब्जेक्ट की तो ज़रूरत पड़ी नहीं अपना मीनिंग बताने के लिए. मगर यहाँ पे मेकिंग, क्या मेकिंग, कैसा मेकिंग है ना, तो मेकिंग के लिए आपको कार्ड की ज़रूरत पड़ी, मतलब एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, तो ये ट्रांजिटिव हो गई. इनट्रांजिटिव मतलब जो बदलती नहीं है, तो शी इज़ क्राइंग बैडली, वो काफ़ी बुरी तरीके से रो रही है, तो इसमें इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये इनट्रांजिटिव हो गई. अब इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं और इसके यहाँ पे आगे बता रखा है कि किस तरीके से सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल में बनती हैं रेगुलर वर्ब्स का. तो ये एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और बाकी अभी इस वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स देख लिए, हम लोगों ने देखा वर्ब क्या होती है, वर्ब जो होती है वो हमारा एक्शन बताती है या स्टेट ऑफ डूइंग समथिंग, हम क्या काम कर रहे हैं वो ये दिखाती है. फिर काइंड्स ऑफ वर्ब में मेन वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है. मेन वर्ब होती है जो सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैरी करती है, वो मेन वर्ब होती है. ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हेल्प करती है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर. मॉडल वर्ब जो होती है वो ऑर्डिनरी वर्ब के आगे लगती हैं और एक मीनिंग बताती हैं, जैसे कि मैसेज कन्वे करती है, जैसे कि परमिशन का, पॉसिबिलिटी का, सजेशन का, मीनिंग ये कन्वे करती हैं. फिर ट्रांजिटिव वर्ब होती है एक, और एक इनट्रांजिटिव होती है. तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऐसी वर्ब होती है जो ई और ई डी, जैसे कि सॉरी, ट्रांजिटिव वर्ब इस टाइप की वर्ब होती है जो क्या होता है, उसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए, और इन ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए. और इसी तरीके से अगर आप रेगुलर वर्ब देखेंगे तो जो वर्ब डी और ई डी लग करके आगे पास्ट पार्टिसिपल या फिर सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं वो रेगुलर वर्ब होती हैं, जो ई और ई डी लग करके बदल जाती है, जो नहीं होती वो फिर हमारी इरेगुलर वर्ब होती है. तो हमने सारे के सारे टाइप्स देख लिए, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज देखेंगे. तो वीडियो कैसा लगा आपको बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा. थैंक यू.